अरे दोस्तों देखिए, मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं जो मैंने बहुत मेहनत से उगाए हैं। डहेलिया का साइज देखिए, बड़े साइज के डहेलिया, कलर देखिए इनका, बहुत बड़े बड़े साइज के डहेलिया देखो तो। बंदर गमले ढाते रहते हैं, बंदर गमले बहुत फेंकते हैं। ये डंठस पैंजी, ये छोटी वाली पैंजी, डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर, गजानिया बंद होने का टाइम आ गया। ये रेड गजानिया साल भी है। तो दोस्तों अब ये मेरी पिटोनिया आ गई है, ये मैंने नेट लगाई थी तो ज़रा अभी इनके फूल आने में देरी हो रही है। खिल तो बहुत अच्छे रहे हैं। ये मैंने मिर्च का अचार डाला है, इसकी रेसिपी डालने को थी लेकिन पिक्चर बन नहीं पाई इसकी। पिटोनिया में बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं, देखिए दोस्तों। ये बंदर बहुत सताते हैं, इन्होंने परेशान करके रखा है बंदर, सारे पेड़ तोड़ देते हैं। शेरू लेटे हमारे मैं डर गई, भागता आया बंदर का बच्चा, मैं डर गई। शेरू तुम नहीं बता रहे थे? हाँ ये ना मेरे पैरों में से निकल के गया, मैं डर गई। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरा रेड जेनेरियम और ये है मेरे मैमुलस। मैमुलस की देखिए माशाल्लाह से कितने फूल आते हैं, अनगिनत अनगिनत फूल आते हैं। आप लोग भी लगाइए। इसकी मिट्टी रखिए वेल्डन, और इसमें पानी बस नहीं मरना चाहिए। और इसको ये जो है ये जो पौधा है इसको फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो इसमें फंगिसाइड का ज़रूर पानी डाला करिए। एक चम्मच में मिला के पानी में, और फंगिसाइड ज़रूर डाला करिए। ये बहुत बड़ी जगह में हो जाता है, बहुत फैला हुआ होता है। देखिए माशाल्लाह से कितना गमला भर गया है इसका, और सारे पौधों का मेरा बहुत गमला भर गया है माशाल्लाह से। ये लेट लगाया था तो थोड़ा अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये भी हो जाएगा। ये हाफ वाइट है, इसके कलर कई हैं। देखिए ये है ऑरेंज और ये है गुलाबी, इस वाइट जेरेनियम है और ये रेड जेरेनियम है। तो दोस्तों आजकल मेरे यहाँ फूलों की बहार आई हुई है, और पिटोन वो मैं वो भी लाई हूँ, क्या कहते हैं इसको, इस वक्त मुझे खैर नाम नहीं आ रहा, मैं बात को दिखाऊंगी, दूसरी पिक्चर में डालूंगी। तो ये मैमुलस आप लोग लगाइए, ठंड का ये इसमें बहुत फूल आते हैं, पिटोनिया से भी ज़्यादा, और इसकी केयर कोश नहीं है। इसको बस वेल्डन मिट्टी चाहिए और पानी ज़्यादा मांगता है, और फंगिसाइड का इसमें एक बार ज़रूर पानी डाल दीजिए। फंगिसाइड एक चम्मच डाल के, साफ का ले लिए कोई भी ले ली, मैं तो साफ का यूज़ करती हूँ, आप जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो ले लिए। माशाल्लाह से मैंने इतनी अच्छी मिट्टी लगाई थी, ये मिट्टी मैंने उसकी लीफ कंपोस्ट ज़्यादा था मेरे पास, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट तो मेरे पास, किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो अब किसे, मेरे पास मिट्टी बहुत अच्छी थी। तो देखिए कितने बढ़िया मेरे पौधे होके आए हैं। ये भी बहुत, ये सरकारी नर्सरी से लाती हूँ, बहुत खिले हुए हैं, बहुत खिले हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।